5 सितंबर को आयोजित हुए शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ससंघ के सानिध्य में अभिनव प्रयोगशाला का आयोजन किया गया। प्रयोगशाला में मुनिवर ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता पर उपस्थित प्रबुद्धजनों को उद्बोधन दिया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों का सम्मान भी मुनिवर के सानिध्य में किया गया। पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज और मुनिश्री संधान सागर जी महाराज ससंघ के मंगल सानिध्य में 5 सितंबर की शाम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अभिनव प्रयोगशाला का आयोजन किया गया। प्रयोगशाला में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता पर मुनिवर ने भक्तों को उद्बोधन दिया। इस अवसर पर पूरे देश के कई प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। प्रयोगशाला का शुभारंभ मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ससंघ के सानिध्य में पूरे देश से आए प्रबुद्ध शिक्षकों ने आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज का चित्र अनावरण करते हुए दीप प्रज्वलन करते हुए किया। प्रयोगशाला के शुभारंभ के साथ मुनिवर ने शिक्षा की प्रासंगिकता के संदर्भ में संबोधित करते हुए बताया कि यह प्रासंगिकता तो हमेशा से है और शिक्षा की आवश्यकता हर व्यक्ति के साथ जुड़ी है। मैं मानता हूँ कि शिक्षा की प्रासंगिकता तो हर काल में रही है। जब से मानव समाज निर्मित हुआ है तब से शिक्षा की परंपरा रही है, लेकिन मैं जब और गहराई में उतरता हूँ तो पाता हूँ शिक्षा की व्यवस्था तो हर प्राणी के साथ जुड़ी है। जो इस धरती पर विचरण करने वाले हैं, चाहे वो पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, सबके साथ शिक्षा जुड़ी हुई है। शिक्षा अबोध को प्रबोध बनाती है। आगे मुनिवर ने कहा कि आज की शिक्षा औपचारिक शिक्षा तक सिमट कर रह गई है, जबकि शिक्षा का स्तर और क्षेत्र बहुत व्यापक है। जब कभी भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि आज की चल रही औपचारिक शिक्षा पर केंद्रित हो जाती है, जो कि आज देश और दुनिया में चल रहे बड़े बड़े शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से सब लोग प्राप्त करते हैं। ये तो औपचारिक शिक्षा है, लेकिन शिक्षा की मूल अवधारणा यही नहीं जो हमने समझ रखी। गहराई में उतरे तो हर प्राणी के साथ शिक्षा जुड़ी है। शिक्षा का अर्थ सीख है। एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, शेरनी अपने बच्चे को शिकार सिखाते हैं। हर प्राणी अपनी संतान को अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप ज्ञान देकर उन्हें समर्थ बनाते हैं। तो शिक्षा केवल मनुष्य जीवन के साथ है ऐसी बात नहीं, शिक्षा का संबंध इस धरती पर विचरण करने वाले हर प्राणी के साथ है। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली के बारे में मुनिवर ने कहा कि आज की शिक्षा प्रणाली गलत नहीं है, लेकिन अधूरी जरूर है। अपूर्ण शिक्षा से अपूर्ण व्यक्तित्व ही बनता है। कि आज की शिक्षा प्रणाली गलत नहीं है पर अधूरी जरूर है। शिक्षा का उद्देश्य एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण है और संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण तभी होगा जब उसे संपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। अपूर्ण शिक्षा से अपूर्ण व्यक्तित्व ही बनता है। वर्तमान की शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक विकास को ज्यादा महत्व देती है।
प्रयोगशाला में सहभागिता करने कई नगरों से शिक्षाविद आए। गुरुवर ने शिक्षाविदों के एकत्र होने को बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बताया। शिक्षक दिवस के अवसर पर इंदौर शहर के और आसपास के भी सारे शिक्षाविद यहाँ एक साथ एकत्रित हुए। शिक्षाविदों का एक साथ एकत्रित होना एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारण भी बन सकता है और हमें उसकी ही शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी बताया जा रहा था कि मैकाले के पूर्व हमारे देश की शिक्षा की स्थिति क्या थी और आज क्या है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। तब हमारी शिक्षा की अवधारणा भिन्न थी और आज की शिक्षा की अवधारणा ही बदल गई। पहले शिक्षा हमारे संपूर्ण जीवन के निर्माण का आधार बनती थी, अब शिक्षा कतिपय डिग्रियों को धारण कर केवल अच्छी नौकरी पाने का माध्यम बन गई। पहले लोग पढ़ते थे, ज्ञान अर्जित करके अपने जीवन का निर्माण करने के लिए, अब पढ़ते हैं अच्छी कंपनी में एक अदद नौकरी पाने के लिए। गुरुवर के मंगल प्रवचन की श्रृंखला के बाद शिक्षाविदों ने मुनिश्री से अपने प्रश्न किए, जिसके बाद आगंतुक शिक्षाविदों का मुनिवर के सानिध्य में सम्मान किया गया। जैन फोकस के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।